अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवल चांद के कैदी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। हम शरफुद्दीन के दरवाजे पर पहुंचे तो वकारुल हसन के अंदर बेपनाह गुस्सा था। वो तमाम रास्ते यही सोचता आया था कि शरफुद्दीन को खरी खरी सुनाएगा, उससे कहेगा कि उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया, फिर भी वो खुद को दोस्त कहता है। अब तो दोस्त के अलावा भी उससे दो रिश्ते मजीद उस्तवार हो चुके थे। उसने ना उन रिश्तों का ख्याल किया और ना ही उसकी दोस्ती का। वो तो वकारुल हसन के लिए जान तक देने का दावेदार था। वकारुल हसन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके हाथों की जंबिश और दस्तक में उसके मिजाज की तेजी शामिल थी। कौन है? अंदर से आने वाली आवाज ने वकारुल हसन पर गोया जादू की छड़ी घुमा दी थी। वो पल के हजारवें हिस्से में यकसर तब्दील हो गया। ये ख्याल तो उसे आया ही नहीं कि वहाँ उसकी मुलाकात शुगुफ्ता से भी हो सकती है। वो तो तमाम रास्ते शरफुद्दीन से उलझा रहा था। शुगुफ्ता के फाख्ता के परों ऐसी नर्म आवाज ने तो मुझे भी बेचैन कर दिया था, मगर मैं साकित रहा। जानता था कि मैंने कुछ भी सोचा या महसूस किया तो वकारुल हसन आग बगोला हो जाएगा। यूं भी मैं उसका रद्दअमल देखना चाहता था। वहाँ खंडर में तो एक वक्त ऐसा आ चुका था कि वो सब पर लानत भेजने को तैयार था। पता नहीं अब क्या होने वाला था। तब से अब तक उसने शुगुफ्ता के बारे में कुछ सोचा नहीं था, हत्ता कि यहाँ आते हुए या रास्ते में भी शुगुफ्ता का ख्याल तक नहीं आया था। मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ संभल कर जवाब दिया, खोलिए, मैं वकारुल हसन हूँ। एकदम दरवाजे की कुंडी खुल गई। उसका हवनक चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखों में बला की वहशत थी। रंगत जर्द हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने यूं हैरत और वहशत के साथ वकारुल हसन को सर से पांव तक देखा, जैसे वो वकारुल हसन ना हो बल्कि उसकी रूह हो, उसका भूत हो। आप ठीक हैं? उसने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और घर वाले? ओह आइए, भाई जी तो बहुत परेशान थे, अम्मा भी, उसने सामने से हटते हुए कहा, फिर सर पर दुपट्टा जमाती हुई अंदर चली गई। वकारुल हसन अंदर दाखिल होकर मूढ़े पर बैठ गया। कमरा अबतर हालत में था, लगता था जैसे कई रोज से सफाई नहीं की गई है। मूढ़ों पर चढ़ा हुआ कपड़ा मैला था। तपाई पर जगह जगह चाय के धब्बे पड़े थे। तकिए बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वकारुल हसन बड़ी बारीकी से हर तरफ देख रहा था। अभी उसे बैठे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शरफुद्दीन और उसके पीछे ही बौखलाई हुई उनकी अम्मा अंदर दाखिल हुई। वकार मेरे दोस्त, शरफुद्दीन दौड़कर उससे लिपट गया। वो बार बार उसे खुद से जुदा करके गौर से सरतापा देखता, फिर उसे सीने से भींच लेता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने मुंह उठाकर कहा, फिर वकारुल हसन से मुखातिब हुआ, घर वाले सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वकारुल हसन ऐसा कहते हुए फिर बिफर गया था। उसे याद आ गया था कि शरफुद्दीन ने उसके घर वालों की खबर नहीं ली। उसकी अम्मा भी परेशान हाल उसके पीछे खड़ी थी। शरफुद्दीन के हटते ही उन्होंने वकारुल हसन के सर पर हाथ फेरा और गुलगीर आवाज में बोली, बेटे हम सब बहुत परेशान थे, लगता था जैसे तुम सबको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब खैरियत से हो। तुम्हारी अम्मा का क्या हाल है? अम्मा कुछ बीमार हैं लेकिन बहुत बेहतर हैं, अब ठीक हैं, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। शरफुद्दीन की अम्मा उसे बैठने का कहकर अंदर चली गई। शरफुद्दीन फिर वकारुल हसन से लिपट गया और बोला, मैं बहुत परेशान था, ना तुम्हारी कोई खैर खबर मिल रही थी ना घर वालों की। घर वालों की खैर खबर लेने के लिए तो तुम्हें जाना पड़ता ना वहाँ, खैर खबर खुद तो चल कर यहाँ नहीं आती। या फिर तुम इस इंतजार में थे कि अम्मा ताया के हाथों में अपनी खैर खबर भेजती? उसके लहजे की काट ने शरफुद्दीन को चौंका दिया। क्या मतलब? वो कुछ परेशान सा होकर बोला, मतलब ये कि तुम्हें दोस्ती का इतना तो हक अदा करना चाहिए था कि पलट कर घर वालों की हालत पूछ लेते। वो तो कहो कि खुदा को रहम आ गया मैं पहुंच गया, वरना शायद मुझे हवेली में 9 लाशें मिलती। वकारुल हसन का लहजा भीग गया। क्या कह रहे हो? हवेली में? मगर वहां तो कोई भी नहीं था। मैं तो हर रोज वहां जाता था, मगर यूं लगता था जैसे तुम लोग वो हवेली छोड़ गए हो, जैसे वहां बरसों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। वो हवेली बिल्कुल उजाड़ और वीरान थी। मैंने घंटों गेट का कुंडा बजाया मगर कभी जवाब नहीं मिला, तो मैं मायूस होकर लौट आया। मैं हर रोज वहां जाता और लौट कर आता रहा। तब वकारुल हसन ने धीरे धीरे उसे सारी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर वो मुस्तरिब हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। खुदा गवाह है वकारुल हसन कि मैं हर रोज यही आस लेकर जाता था कि शायद वो लोग कहीं गए थे और अब आ गए हूँ। मैं हैरान था कि वो लोग आखिर कहाँ चले गए, उनका तो यहीं रहने का प्रोग्राम था। मैं तुम्हारे जाने के अगले रोज ही मगरिब के बाद ये सोचकर गया था कि ताया से कुछ गपशप करूंगा, उन्हें मेरे जाने से काफी तसली रहेगी।
वो तुम्हारे जाने पर बहुत अफसरदा थे। मैंने उन्हें घर छोड़ा तो वो इस कदर दिल गिरफ्तार थे कि मैं रात भर सो नहीं सका था। मैं हवेली पहुंचा तो उसका गेट बंद था, बाहर ताला नहीं था, मगर मैंने बहुत देर तक कुंडा बजाने के बावजूद किसी ने दरवाजा ना खोला। घर में कोई एक आदमी होता तो मैं सोचता कि कहीं गया हुआ है, सो रहा है या नहा रहा है, मगर घर में तो इतने बहुत से लोग थे। बात मेरी समझ में कतई नहीं आई कि दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा। फिर ये ख्याल किया कि शायद रात में कुछ ऐसा वाकया हो गया हो कि ताया सवेरे ही सबको लेकर किसी रिश्तेदार के घर चले गए हों। यही सोचकर मैं मतलूब चाचा के घर गया। मतलूब चाचा खुद भी ये सुनकर परेशान हो गए और मुझे साथ लिए पूरे अमरोहा में घर घर फिरे, मोहल्ला कुरैशी और मोहल्ला मुल्लाना का एक एक घर छान मारा, वो कहीं भी ना थे। फिर मैं मुरादाबाद भी गया, चची से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि वो सब लोग अमरोहा में ही हैं। मैंने उन्हें बताकर परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और लौट आया। वक्कार यकीन करो, ऐसा लगता था सबको जमीन खा गई है। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था और शगुफ्ता, वो कहते कहते झिझक गया। अब मैं जा सकता हूँ वहाँ, उसने फिर बेकरारी से पूछा। हाँ चाहो तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर के तुम खबर लेने नहीं आए, मेरा गुस्से से बुरा हाल था, वक्कारुल हसन ने शर्मिंदा लहजे में कहा। इसलिए तो खुदा कहता है कि बदगुमानी को दिल में जगह ना दो, ये जहर है, हलाकत में डाल देती है, शरफुद्दीन ने गहरा सांस लेकर कहा। कुछ देर बाद शरफुद्दीन की अम्मा खाने पीने की चीजें ले आईं। शरफुद्दीन आंखों ही आंखों में इशारे से वक्कारुल हसन को मना कर चुका था कि उनके सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी। इसलिए जब उन्होंने घर वालों के बारे में पूछा तो वक्कारुल हसन ने बड़ी फराख दिली से झूठ बोल दिया कि देहरादून में रिश्तेदारों की शादी थी, सब लोग वहां गए हुए थे, मगर शरफुद्दीन तो बता रहे थे कि, उन्होंने मशकूक अंदाज में बात की। शरफुद्दीन ने उनकी बात काट दी और बोला, मुझे ही गलतफहमी हुई थी अम्मा, भाई इन लोगों के जिनों भूतों रूहों और चुड़ैलों से ताल्लुकात ही इतने गहरे और पुराने हैं कि हर बंदा गलतफहमी में मुब्तिला हो सकता है, मैं भी परेशान हो गया था। ये बात उसने हंसकर कही। इस बार उसकी हंसी में बला का इत्मीनान था। फिर उसकी अम्मा सबकी खैरियत पूछती रहीं। घर आने को कहा तो वक्कारुल हसन टाल गया, उसने कह दिया कि कुछ लोग लखनऊ और देहरादून से आए हुए हैं, जैसे ही उनकी मेहमानदारी से फरागत होगी वो उन्हें इत्तिला कर देगा, फिर वो जरूर आए। वो डरता था कि घर वालों की हालत किसी ने देख ली तो क्या होगा। शरफुद्दीन तो खैर हर बात से आगाह था, उसे हकीकत बताना यूं भी जरूरी था कि वो कदम कदम पर वक्कारुल हसन के साथ रहा था, मगर कोई और अगर घर वालों की शक्ल देखता तो शायद दहशत से मर जाता। जहानी आपा का चेहरा भी कुछ कम खौफनाक नहीं था। अंदर को धंसी हुई आंखें स्याह हल्कों में टमटमाती, बल्कि बुझते हुए चराखों ऐसी हो गई थी, पिचके हुए गाल, इतनी बड़ी नाक और दांत, ये सब कुछ आदमी को डराने के लिए काफी था। वक्कारुल हसन ने सोच लिया था कि वो शरफुद्दीन को सिर्फ ताया से मिलवाएगा। वो तो पहले भी इतने कमजोर थे कि शायद उन्हें देखकर शरफुद्दीन को कुछ अंदाजा ना हो, वरना गुदास बदन की जहानी आपा या फरबी माइल बदन की शनो आपा को ढांचे में तब्दील हुआ वो देखता तो जाने उसकी क्या हालत होती। खातिर मदारत करने के बाद शरफुद्दीन भी वक्कारुल हसन के साथ चलने को तैयार हो गया। उस दौरान में शगुफ्ता सामने नहीं आई। वक्कारुल हसन ने कई बार चाहा और दिल ही दिल में यह दुआ मांगी कि वो आ जाए। ये शायद लम्हा कबूलियत था या शरफुद्दीन वक्कारुल हसन के दिल का हाल जान गया था कि उसने शगुफ्ता को आवाज दे ली। उसकी अम्मा नमाज के लिए जा चुकी थी। शगुफ्ता दरवाजे पर ही पर्दे की ओट में ठहर गए। मैंने वक्कारुल हसन के बदन को छोड़ दिया। मैं शगुफ्ता को करीब से देखना और महसूस करना चाहता था। मैं उसमें और कल्पना में मवाजना करना चाहता था, वो कल्पना जिसने लम्हा भर को वक्कारुल हसन के हवासों पर छाकर उसे अंधा कर दिया था, मगर वो बहुत जल्द उस अंधेरे से निकल आया था। अब उसका दिल शगुफ्ता के मुतरनिम आवाज पर ताल दे रहा था। मैंने जो ही वक्कारुल हसन का बदन छोड़ा वो मुस्तरिब हो गया। उसके अंदाज ही से लगा कि वो मेरी इस हरकत पर खुश नहीं है। मैं जानता था कि वो मुझे देख रहा है, इसलिए मैं दोबारा उसके अंदर चला गया और उससे कहा कि मैं शरफुद्दीन के बाबा का अहवाल जानना चाहता हूँ, मुमकिन है अब तक वो कोई नया पैंतरा बदल चुके हों। इतना कहते ही मैं फिर बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मना करे। इस बार मैं उसकी तरफ तवज्जा दिए बगैर शगुफ्ता की जानी बढ़ गया। पर्दे की ओट में खड़ी शगुफ्ता बड़ी निखरी निखरी सी लगी। जो वीरान आंखें मैंने कुछ देर पहले देखी थी उनमें उस वक्त दीप चल रहे थे। होंठों के किनारों पर मुस्कान छुपी बैठी थी। उसकी गोल गोल कलाइयों में सब्ज कांच की चूड़ियां थी। बिखरे हुए बालों को उसने रिबन से बांध लिया था, मगर वो उसकी पतली कमर पर लहरा रहे थे। उसके जर्द रुखसारों पर शफक फूट चुकी थी। वो नाजुक सी सादी सी लड़की मुझे अच्छी लगी। मैं कल्पना को भूल गया, इसलिए नहीं कि वो कल्पना से ज्यादा प्यारी लग रही थी, बल्कि इसलिए कि उसके बदन की कच्ची कच्ची खुशबू ने मुझे बेखुद कर दिया था। उसे छूने और उसे महसूस करने की ख्वाहिश तूफान की तरह मेरे अंदर उठी और मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि आज मैं कोसर को इशारों ही इशारों में आमादा करने की कोशिश करूंगा कि वो जल्द अज जल्द मुझे मुजस्सम करने का अमल शुरू कर दे। मैं अपने जहन को वक्कारुल हसन की कैद से भी आज़ाद कराना चाहता था। मुझे डर था कि वो चाहे तो मेरे तमाम करतूतों के बारे में जान सकता है और उसकी यही ताकत मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा थी। मैं वहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठहरा।
कि मुबादा वकारुल हसन को शुबा हो जाए और वह इर्तिकाज से मेरे अंदर की बात जान ले। अगर उसे जरा भी शुबा हो जाता तो वो मेरे लिए हजारों रुकावटें पैदा करने का सबब बन सकता था। मैं इस बेबसी की हालत में कोई रिस्क लेने को तैयार ना था। मैं वहां से सीधा शरफुद्दीन के बाबा के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां वो पलंग पर लेटे किसी सोच में उलझे हुए थे। उन्हें वकारुल हसन की आमद की इतिला मिल चुकी थी। उनका खून खोल रहा था। वो पास रखे हुक्के के कश पर कश लगा रहे थे। फजूल, नामाकूल, आवारा और लाओबाली के अल्फाज की गर्दान जारी थी। वो शरफुद्दीन और अपनी बीवी से भी नाला थी। उनका ख्याल था कि यहाँ रिश्ता करके ये लोग खानदान की इज्जत डुबो रहे हैं, शगुफ्ता को तो बिलखसूस खतरे में डाल रहे हैं। वैसे अब तक उन्होंने कोई मुतबादिल रिश्ता ना तलाश किया था, ना ही करना चाहते थे। शरफुद्दीन की अम्मा बता चुकी थी कि खुद शगुफ्ता भी खुश है, लिहाजा वो बेबसी महसूस कर रहे थे। वरना उनका ख्याल था कि उनकी बेटी उनके भतीजे के साथ ज्यादा सुखी रहेगी। ये बातें वकारुल हसन को मुतमईन करने के लिए काफी थी, इसलिए मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका और वापस बैठक में चला आया। बैठक में मैं बड़े मौके से पहुंचा था। वहां वकारुल हसन और शगुफ्ता अकेले थे। शरफुद्दीन तैयार होने अंदर चला गया था। शगुफ्ता सिमटी और सहमी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, मगर फिर भी आंखों में बेपनाह परेशानी थी। वो सर झुकाए कह रही थी, भैया जी ने तो परेशान कर दिया था, आप यूं बिना कुछ कहे सुने चले गए, इतनी परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वकारुल हसन बड़े शौक से उसकी लरसती हुई आवाज को सुन रहा था। उसकी आंखों में इश्तियाक था, दिल में बैठा बैठा सा दर्द महसूस हो रहा था और उसे छूकर महसूस करने को दिल चाह रहा था। मैं पल भर में उसके अंदर पहुंच गया और मैंने उसे उकसाया, इसका हाथ पकड़ो वकारुल हसन, देखो इसके लम्स में कितनी मिठास है, अंग अंग से शहद टपक रहा है, इसके गुदास बदन में भरा मकनातीस तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। अभी कोई नहीं है वकार, मैंने इसका जहन पढ़ लिया है, वो भी तुम्हें छूने को बेचैन है, वो तो तुम्हारा अंग अंग छूना चाहती है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और वकारुल हसन यूं आगे बढ़ने लगा जैसे मैंने उस पर जादू कर दिया हो। वो मेरे वजूद से कतई बेखबर, सिर्फ मेरी आवाज के उतार चढ़ाव में जकड़ चुका था। वो भूल गया था कि मैं उसे उकसाकर कहां ले जा रहा हूं। उसने अपने लरसते हुए हाथ से शगुफ्ता की बाजू पकड़ ली। शगुफ्ता तकरीबन उछल पड़ी। उसे शायद वकारुल हसन से इतनी जुरत और ऐसे वालिहाना अंदाज की तौका ना थी। उसके मजबूत हाथों के गर्म लम्स ने उसका चेहरा धुआं धुआं कर दिया। वो खौफजदा होकर दो कदम पीछे हट गई। छोड़िए हमें, कोई आ जाएगा। वो जर्द पड़ गई, मगर वकारुल हसन उसे छोड़ने की बजाय उससे और करीब हो गया। वो बिल्कुल भूल गया कि उसके सामने शगुफ्ता खड़ी है, एक ऐसे घराने की लड़की जिसकी निगाहें भी अगर किसी नामहरम की निगाहों से टकरा जाएं तो उसे गुनाह समझा जाता है। वकारुल हसन के दिमाग में चंपा के बदन का गुदास भर चुका था। चंपा के साथ गुजारे हुए वो ख्वाबनाक और लज्जत आमेज लम्हे उसे अपने हिसार में जकड़ चुके थे। उसके अंदर शहद आगिन से भंवर पड़ने लगे और वो उस भंवर में तकरीबन चकराने लगा, मगर इससे कबल के वो मजीद आगे बढ़ता मैंने उसे ठोका दिया। ये क्या कर रहे हो, होश में आओ, ये चंपा नहीं, कल्पना भी नहीं है, ये शगुफ्ता है, तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारे जिगरी दोस्त शरफुद्दीन की बहन, उसकी इज्जत। मेरा लहजा सख्त था, वो एकदम ठटक गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोगलापन क्यों कर रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मैं अभी उसे अपनी तरफ से मशकूक नहीं करना चाहता था। हो सकता था कि उसे खुद ही होश आ जाता और वो बाद में मुझे इल्ज़ाम देता कि मैं उसे उकसाकर यहाँ तक ले आया या मैंने उसे शर्मिंदा करवा दिया। मैं उसके नज़दीक अपनी अहमियत जताना चाहता था कि तुम्हें गलत सिमत में बढ़ रहे थे और मैंने तुम्हें टोका और यूं तुम्हारी इज्जत रख ली। वो वाकई मेरा ममनून हुआ। उसने घबराकर शगुफ्ता का हाथ छोड़ दिया, बल्कि उससे माजरत भी की, मगर उसने कुछ सुना नहीं। वो तेजी से अंदर भाग गई। कुछ देर तक वकारुल हसन हैरान और परेशान खड़ा रहा, हाथ मलता रहा, सोचता रहा कि शगुफ्ता ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, पता नहीं उसने माजरत कबूल की होगी या नहीं। वो अपनी हरकत पर सख्त शर्मिंदा था और मैं उसे झाड़ रहा था। तुम सुध-बुध खो देते अगर मैंने तुम्हें ना टोका होता, और तुम मुझे ही गलत समझते हो। अगर इस दौरान में कोई आ जाता तो, शरफुद्दीन देख लेता तो। मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया, नासेह बन गया। उसे शर्मिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मेरा मकसद भी पूरा हो चुका था। अभी मैं उसे लताड़ ही रहा था कि शरफुद्दीन आ गया। वो नहा धोकर ताजादम हो चुका था। अब उसके चेहरे पर फैले इत्मीनान ने उसकी वहशत कम कर दी थी। गो वो अब भी सारे हालात सुनकर काफी परेशान था, मगर फिर भी वो बात नहीं थी जो अब से पहले थी। वो अम्मा से कहकर वकारुल हसन के साथ चल पड़ा। उसके बाबा ये सुनते ही कि वो वकारुल हसन के साथ जा रहा है फौरन बैठक में पहुंच गए। आदाब चचा, वकारुल हसन ने हाथ उठाकर आदाब किया। हाँ ठीक है, जीते रहो, इसे कहाँ ले जा रहे हो, उन्होंने उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया, बल्कि सवाल किया। अब्बा मैं ताया से मिलकर वापस आता हूँ। वकारुल हसन के कुछ कहने से कबल ही शरफुद्दीन बोल उठा, ये कोई वक्त है घर से निकलने का, वो फनकारे। अब्बा मेरा जाना जरूरी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, शरफुद्दीन ने दो टोक अंदाज में कहा और वकारुल हसन का हाथ दबाकर उसे बाहर चलने का इशारा किया।
वकार हसन की हिम्मत ना हुई कि वो बाहर निकल जाता। गोया अब तुम्हारी आवारा गर्दी शुरू हो गई, उन्होंने वकार हसन की तरफ देखते हुए कहा। उसी वक्त शरफुद्दीन की अम्मा 6 गज का दुपट्टा संभालती हुई अंदर दाखिल हुई। मैं तो तुम्हें इस तरफ आते देख कर ही खटक गई थी, मैंने कहा है इसे जाकर खैरियत लाने को। अरे रिश्तेदारी बंद गई, कुछ तो लिहाज कर लिया करो, उन्होंने भुनाकर अपनी बीवी की तरफ देखा। बकारुल हसन मौका गनीमत जानकर गड़ाप से बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद ही शरफुद्दीन बाहर आ गया। अब्बा नहीं बदलेंगे, लगता है मिर्जा सौलत बेग इनकी जायदाद हड़प कर गए। इन्हें तुम लोगों से सिर्फ इसलिए बैर है कि तुम मिर्जा सौलत बेग की नस्ल से हो, उसने लंबी सांस लेकर कहा। वो लोग हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में वकारुल हसन ने शरफुद्दीन को समझा दिया कि वो घर वालों को देखकर परेशान ना हो, जो कुछ उनके साथ हो चुका है इसमें उनका जिंदा रह जाना ही बड़ा गनीमत है। शायद उसे खौफ था कि उनकी हालत देखकर शरफुद्दीन हवास खो बैठेगा। वो लोग घर के करीब पहुंचे तो अंधेरा फैल चुका था। आज घर से निकलते हुए वकारुल हसन कोसर को ताकीद कर आया था कि सबका बहुत ख्याल रखे। ज़ेबुन्निसा ने खुद को बड़ी जल्दी संभाल लिया था, इसलिए वो भी कोसर और चची का हाथ बटा रही थी। बकारुल हसन ने आज ही सुबह काफी गंदम और चावल वगैरह खरीद कर हवेली में रखवा दिए थे। तमाम पुराना गल्ला महज वहम की वजह से फेंकवा दिया था। हवेली के दरवाजे पर दस्तक देने के काफी देर बाद तक कोई ना आया तो वकारुल हसन का चेहरा फक होने लगा। उसकी वहशत बढ़ने लगी। क्या हुआ, ये दरवाजा, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, वो बुड़बुड़ाया। वकारुल हसन, मैंने फिर मौका गनीमत देखकर उसे मुखातिब किया, अगर तुम मुझे ताकत दिला दो, मेरे वजूद को इन पाबंदियों से आजाद कर दो, तो मैं तुम्हारे बड़े काम आ सकता हूँ। ऐसे मौकों के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है वकारुल हसन, अगर मुझ में ताकत होती तो मैं इन दीवारों को उबूर कर लेता। हाँ हाँ, अब ऐसा करना ज़रूरी है, वो फिर खुद कलामी किसी अंदाज में बुड़बुड़ाया। क्या क्या ज़रूरी है, शरफुद्दीन उसे बोलता देखकर चौंका। ये दरवाज़ा, वकारुल हसन ने उसकी बात सुने बगैर वहशत ज़्यादा आवाज़ में कहा। अब मैं भी घबराने लगा था, मेरा वाकई दिल चाह रहा था कि मैं दीवारों से गुजर कर अंदर चला जाऊँ। ऐन उसी वक्त कि वकारुल हसन की वहशत बढ़कर पागलपन में तब्दील होने वाली थी, दरवाज़ा अचानक खुल गया। उन दोनों की जान में जान आई। दरवाजे पर ज़ेबुन्निसा थी। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई, वकारुल हसन ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। छोटे मिर्ज़ा, मैं दूसरी तरफ थी, कोसर बीबी ऊपर गई हैं, मैंने मना किया था जी, बाकी लोग तो आपको पता ही है कि उठ नहीं सकते, चची नमाज पढ़ रही हैं। वो अपने देर से आने की तावीलें पेश कर रही थी और वकारुल हसन उसकी बात खत्म होने का मुंतजर था। बेचैनी से अंदर की तरफ देख रहा था। उसके अंदाज से लगता था जैसे उसने ज़ेबुन्निसा की गुफ्तगू पर ध्यान नहीं दिया है। फिर उसने अम्मा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। यकायक वो घबरा कर पलटा और ज़ेबुन्निसा से बोला, कोसर कहाँ है? वो ऊपर गई हैं, मैंने मना किया था जी, वो नहीं मानी, उन्होंने ही कहा था कि उसने इतना कहकर सर झुका लिया और दुपट्टे के पल्लू को उंगली पर लपेटने लगी। क्या कहा था, वकारुल हसन ने सख्ती से पूछा। उन्होंने कहा था कि अगर इस दौरान में आप आ जाएं तो मैं दरवाज़ा जल्दी ना खोलूं, उन्हें आवाज़ देकर बता दूं, फिर दरवाज़ा खोलूं। मैंने उन्हें आवाज़ें दी, बहुत आवाज़ें दी, मगर पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं आई। ओह, वकारुल हसन और शरफुद्दीन दोनों ही सुनकर बौखला गए। वकारुल हसन तेज़ी से उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो बड़े बरामदे की दूसरी तरफ से ऊपर जाती थी। अंदरूनी हिस्से वाली सीढ़ियाँ तो बंद थी। वकारुल हसन जानता था कि वहाँ से जाने के सिवा कोई रास्ता ऊपर जाने का नहीं है। शरफुद्दीन भी उसके पीछे था। वो लोग अभी सीढ़ियों के करीब ही पहुंचे थे कि कोसर नीचे आती हुई दिखाई दी। लम्हा भर को उसके चेहरे पर रंग सा लहराया और फिर उसने खुद को संभाल लिया। क्यों गई थी तुम ऊपर, वकारुल हसन उसे देखते ही फट पड़ा। अब कोई नया चक्कर शुरू करना है क्या? मैं वहाँ काम से गई थी, उसने बेएतनाई से जवाब दिया। वहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा, खुदा के वास्ते तुम घर वालों पर रहम करो, हम अभी एक ही परेशानी से नहीं निकले और तुम। वकारुल हसन, मैं इन्हीं परेशानियों से निकलने का रास्ता तलाश कर रही हूँ, तुम बेवजह उल्टी सीधी बातें ना करो। परेशानियों से निकलने का रास्ता ऊपर तलाश करने गई थी तुम, वकारुल हसन ने तंज किया। हाँ, इतना कहकर कोसर कुछ देर तक वकारुल हसन को देखती रही। फिर उसने शरफुद्दीन की तरफ देखा और बोली, तुम ही इसे समझाओ, ये चाहता है कि आग में हाथ डाले बगैर अंगारे उठा ले, समंदर में उतरे बिना ही तह में बैठा मोती निकाल ले, ज्यादा डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, वकारुल हसन ने चिड़कर जवाब दिया। ये बताओ कि ऊपर जाने का मकसद क्या था, पहले तो कोसर ने गहरा सांस लिया फिर बोली, मुझे स्वामी जी की तस्वीर चाहिए। क्यों, वकारुल हसन बिफर गया। वकारुल हसन, तुम बात को समझने की कोशिश करो, इस हवेली को और यहाँ के लोगों को चांद की कैद से आज़ाद करने के लिए हमें हर हाल में स्वामी जी तक पहुँचना है, उन तक पहुँचे बगैर हम इस कैद से रिहाई का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। क्या इन लोगों की हालत देखकर भी तुम्हें तरस नहीं आया, इन लोगों का जुर्म क्या है, क्या किया है इन लोगों ने जो इन्हें इतनी कड़ी सजाएं दे रहा है वो बुढ़ा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं वकारुल हसन, उसे ढूंढ कर
उसके करतूतों की सजा देकर ही रहूंगी। और सुन लो कि मैं उस कुएं से शकुंतला की लाश भी निकालूंगी, उस प्रकाश की हड्डियां तक उखाड़ कर फेंक दूंगी। मैं इस हवेली से उन लोगों की एक एक निशानी उखाड़ फेंकूंगी। वो सख्त ऐश के आरे में बोल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, हाथ पांव लरज रहे थे। मैं घर वालों को सुकून दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। अपने लिए उस वक्त तक कुछ नहीं सोचूंगी जब तक इस हवेली को इस अंधे के खौफनाक जाल से निकाल नहीं लेती। कोसर कोसर, होश में आओ। ये सब कुछ तो मैं भी चाहता हूँ, मगर इस तरह जज्बाती होकर कुछ भी करने से, कोई भी कदम उठाने से हालात मजीद खराब हो सकते हैं। वकारुल हसन उसकी हालत देखकर नरम पड़ गया। वैसे भी वो कोई गलत बात नहीं कर रही थी। मैं उसके वलवले से खुश हुआ था। खुद वकारुल हसन तो इतनी शक्ति और ताकत हासिल करने के बावजूद कोई एक सिमत इख्तियार नहीं कर सका था, ना उसने किसी भी सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त की थी। अब कोसर के अजायम देखकर मुझे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं अपने मामले में भी कोसर से मदद का ख्वाहिशमंद था। ये ठीक है कि जिस शहद को मैं चख चुका था उसे सैर होकर पीना ही मेरा मकसद बन गया था, मगर मैं वकारुल हसन के काम भी आना चाहता था। मैं दिल से उन लोगों के दुख दूर करने का ख्वाहिशमंद था। कोसर बहुत जज्बाती हो रही थी। वकारुल हसन चाहता तो उसे बता देता कि स्वामी जी और मिर्जा सौरभ बेग की वो तस्वीर उसके कमरे में है। वो अब से काफी अरसा पहले, जब पहली बार घर वाले उसके बाबा की बरसी के बाद मुरादाबाद गए थे, वो तस्वीर हासिल कर चुका था, मगर वो कुछ सोचना चाहता था। यूं जज्बात में आकर फैसला करना उसे पसंद ना था। वो और शरफुद्दीन उसे किसी न किसी तरह ठंडा करके ले आए। पहले वकारुल हसन ने उससे घर वालों की खैरियत पूछी, फिर शरफुद्दीन को आंख से कोसर को बातों में लगाए रखने का इशारा करके अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मा उसकी मुंतजर थीं। ताया और ताई अपने कमरे में थे। अब वो कुछ चलने फिरने के काबिल हो गए थे। ताई को चची सहारा देकर उनके कमरे में ले गई थी। उन लोगों का ख्याल था कि ताई कोसर को पहचान गई हैं, मगर दूसरों के सामने यूं जाहिर कर रही हैं जैसे वो अब भी अपने हवासों में नहीं है। ये बात अम्मा ने वकारुल हसन को बताई थी। उन्होंने ही चची को मशवरा दिया था कि अपनी जिठानी को दूसरे कमरे में ले जाओ, शायद ये कोसर से लिपट कर जी भर कर बोलें तो अच्छी हो जाए। ताया भी वहीं चले गए थे। ताया ने अब तक कोसर से बात नहीं की थी, बल्कि सिर्फ देखते ही रहे थे। ना कोसर ने ही उनसे ऐसी कोई बात की जिससे माजी के डांडे मिलते। वो इंतहाई फरमा बरदार औलाद की तरह खामोशी से उन लोगों की खिदमत में लगी हुई थी। उसने तो अम्मा और जहानी आपा वगैरह की भी इतनी देखभाल की कि अम्मा का दिल नर्म हो गया था। अम्मा के पूछने पर वकारुल हसन ने उन्हें बताया कि वह शरफुद्दीन से गुस्सा होकर उसे झाड़ने गया था, मगर वहां बात ही उल्टी निकली। फिर उसने उन्हें वो सब कुछ बताया जो शरफुद्दीन ने बताया था। मुझे भी यही ख्याल आया था, दरवाजा तो यूं बंद हो गया था कि हम चाहते भी तो उसे नहीं खोल सकते थे, लेकिन हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहां कोई आया हो या किसी ने बाहर से कुंडा बजाया हो। इतना कहकर अम्मा गहरे गहरे सांस लेने लगी। अम्मा, क्या आप इन हालात में भी यहाँ रहने के लिए तैयार हैं? इसी वजह से तो मैं नहीं चाहता था आप यहाँ आए, वकारुल हसन ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। ये तो गुमान भी ना था कि यहाँ तक भी हो सकता है, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, फिर छत को तकने लगी। कैसे कैसे हालात में गुजारा कर लिया था, मैंने सोचा था अब इससे ज्यादा क्या होगा, मगर यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। वो फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। पानी का क्या हुआ, क्या अब नलों से खून आना बंद हो गया? अम्मा ने अचानक चौंककर पूछा। पता नहीं अम्मा, वकारुल हसन बौखला गया। मैं देखता हूँ, सुबह तो पानी नहीं आ रहा था, मैंने सके से चार मशकें डलवा ली थी। अब आप फिक्र ना करें, जल्दी से ठीक हो जाएं, यहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये कोसर, इनके क्या इरादे हैं? अम्मा के लहजे में शक उतर आया। आप फिक्र ना करें, वैसे वो हमारी मदद कर रही है, वो जो कुछ सीख चुकी है उससे काम लेकर यहाँ के हालात दुरुस्त करने का आदा कर चुकी है। फिलहाल हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए अम्मा, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन जो हालात हमारे साथ गुजर रहे हैं उनमें उसका इल्म हमारे लिए बड़ी ढारस है, वो बहुत ताकत हासिल कर चुकी है। वकारुल हसन मेरे हिसाब से फजूल बातें कर रहा था। मैं उकता गया। यकायक मुझे ख्याल आया कि मुझे कोसर को इशारों ही में समझाने की कोशिश करना चाहिए। वो जहीन लड़की थी, मुमकिन है मेरी बात समझ जाती। ये ख्याल आते ही मैंने वकारुल हसन को छोड़ने का इरादा किया। मेरी बेचैनी पर वकारुल हसन मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने बहाना किया कि मैं कोसर की बातें सुनकर उसे बताऊंगा कि वह जो कुछ कह रही है वो सच है भी या यूं ही ड्रामा है। वकारुल हसन जानता था कि कोसर बुनियादी तौर पर बेहिस और खुदगर्ज है, इसलिए उसकी तरफ से कुछ ज्यादा मुतमईन भी ना था। मेरी तजवीज़ उसे पसंद आई और उसने मुझे मुसलसल उसे कुरेदने पर मामूर कर दिया। गोया अब मैदान मेरे लिए साफ हो गया। मैंने जरा भी देर ना की और वहां से शरफुद्दीन और कोसर के पास पहुंच गया। कोसर के ऐन सामने पहुंचा तो वो ठटक कर मुझे देखने लगी। उसके अंदाज में जोश और तजस्सुस था। फिर क्या हुआ, शरफुद्दीन ने उसे खामोश होकर खला में तकते हुए देखकर कहा। मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल मैं कुछ सोचना चाहती हूँ, वो एकदम उकताए हुए अंदाज में बोली। तो शरफुद्दीन हवेली के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहाँ रशीद चाचा अपने बेटे और बहू के साथ कयाम पजीर थे।
उसके जाते ही मैंने इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश की। वो मेरे करीब आ गई। वो तजस्सुस निगाहों से मुझे देखने लगी। वो जान चुकी थी कि मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर शायद वो मेरी बात नहीं समझी थी। उसकी आंखों की उलझन मेरे शुबे को तकिया दे रही थी। क्या तुम बोल सकते हो? वो मेरे इशारों को ना समझ सकी तो बोली। मैंने सर के इशारे से बताया कि मैं बोल सकता हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं सुन सकती। कितना बेवकूफ़ है ये वकार, वो सर हिलाकर बुड़बुड़ाई। इतना सुनते ही मैंने जोर जोर से सर हिलाया। तुम मुझसे मुत्तफिक हो? उसने फिर सवाल किया। मैंने फिर इस बात में सर हिला दिया। तुम अगर मुजस्सम हो गए, इंसानी रूप में आ गए तो कितना फ़ायदा होगा? इसका वकारुल हसन को एहसास है और ना वो इस पर कुछ सोचने को तैयार है, उसने तासुफ से कहा। वो रफ्ता रफ्ता उसी मौजू पर आ रही थी। बिलाखिर वो मेरी बात जान गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं मुजस्सम होना चाहता हूँ। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। यह अंदाज़ा लगाते ही कि मैं मुजस्सम होना चाहता हूँ, वो समझ गई कि मैं इस बात को फ़िलहाल वकारुल हसन से भी मख़फ़ी रखना चाहता हूँ। फिर भी उसने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए मज़ीद ताकत हासिल करने की खातिर जाप करेगी और मैं ये बात वकारुल हसन को ना बताऊँ। मैं खामोश हो गया। मैंने इशारे से कहा कि वो इस काम को जितनी जल्दी हो सके कर डाले। उसने भी जल्दी जाप करने का वादा कर लिया। वो मेरी आवाज़ सुनने को बेचैन थी, मुझसे बहुत से मामलों में डिस्कस करना चाहती थी, इसलिए उसने खुलकर कह दिया कि पहले वो जाप करेगी ताकि वो मेरी बात सुन सके। उसका ख्याल था कि मुजस्सम होने से पहले ही मुझे चंद मामलों में उसकी शर्तों को मानना होगा। मैं जानता था कि उसकी शरायत क्या और किस किस्म की होंगी। मैंने हामी भर ली और उसने वादा कर लिया कि वो आज ही जाप शुरू कर देगी। वकारुल हसन उस पर गहरी नज़र रखे हुए था। पता नहीं वो क्या चाहता था। शरफुद्दीन, ताया, अम्मा और ताए की हालत को देखकर खौफजदा था। उसने दबे दबे अल्फाज में वकारुल हसन से शनो आपा और जहानी आपा की खैरियत भी दरियाफ्त की। वकारुल हसन ने उसे उन लोगों से मिलाने की बजाय तसल्ली दे दी, मगर उसके अंदाज से बेचैनी झलक रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो वकारुल हसन के सिर्फ तसल्ली देने से मुतमईन नहीं है। बात के हालात की तफसील का खुलासा यह है कि अमरोहा की हवेली में दिन जिस तरह गुजरे वो काफ़ी तकलीफ दह सूरत हाल थी। वकारुल हसन बेपनाह परेशान रहा। वो बार बार यहाँ से जाने का फैसला करता और खुद ही रद्द कर देता। घर वाले आहिस्ता आहिस्ता सेहत पकड़ रहे थे। वकारुल हसन ने हकीम अली अहमद को भी बुला लिया था। वो सभी का इलाज कर रहे थे, जो सिर्फ ताकत की माजूनों तक महदूद था। सब लोग सहमे हुए थे, मगर वकारुल हसन और कोसर की आमद ने काफ़ी ढारस बंधाई थी। फिर चचा चची भी बड़ी आस थे। चचा ने तो ताया का पीछा पकड़ लिया था कि वापस मुरादाबाद चले। अम्मा को समझाया था कि मुरादाबाद में हमारे साथ रहें या चाहें तो अपने खरीदे हुए मकान में मुंतकिल हो जाएं, मगर यहाँ ना रहें। गुजरते हुए हालात ने अम्मा के हौसले भी किसी हद तक पस्त कर दिए थे। वो ऐसा सुनकर कुछ ना कहती थी। उनके बेहतर होने के बाद जो बातें मालूम हुई थी, उनका लबे लुबाब यही था कि यह सब कुछ पिछली चांद की चौदहवीं रात को शुरू हुआ था, जबकि इससे कबल की चौदहवीं रात की खौफनाक ही सिर्फ ऊपर की मंजिल में आग लगने की हरकत ही तक महदूद रही थी। सवेरे वहाँ कुछ भी नहीं था। वकारुल हसन भी अब संजीदगी से मुरादाबाद जाने की सोच रहा था। शरफुद्दीन ने भी उसे यही सलाह दी थी कि बेवजह खतरों से नहीं खेलना चाहिए। उसने अपने अल्फाज में यह ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि वो आपस के रिश्ते को जल्द ही मजबूत बंधन में बदलना चाहता है। यूं भी शगुफ्ता से मुलाकात ने वकारुल हसन को भी बेखुद कर दिया था। वो खुद भी उसकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा था। अम्मा भी यकीनन ऐसा ही चाहती थी, मगर चुप थी। ये लोग ये सब कुछ सोच रहे थे, मगर मैं अपने चक्कर में पड़ा हुआ था। मैं ज्यादातर कोसर के इर्द गिर्द चकराता रहता था। उसने वादे के मुताबिक जाप शुरू कर दिए थे। उसने वकारुल हसन से स्वामी जी की तस्वीर भी मांगी और अमरोहा छोड़ने की मुखालिफत भी की। वो यहाँ रहकर हवेली को चांद की कैद से निजात दिलाना चाहती थी। कोसर की ताकत और उसकी मौजूदगी वकारुल हसन को भी ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, मगर वो अम्मा, ताया और चचा को इस सिलसिले में क्या जवाब देता, जो उसे बार बार अमरोहा छोड़ देने को कह रहे थे। वकारुल हसन को यह ख्याल ये भी आया कि वो कोसर को यहीं छोड़ दे और बाकी सबको लेकर मुरादाबाद चला जाए, मगर वो जानता था कि ताया, अम्मा, चचा कोई भी उसकी तजवीज़ से मुतफिक नहीं होगा। वकारुल हसन की उलझन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ शरफुद्दीन ही यहाँ ऐसा था जिससे वो कोई बात नहीं छुपाता था। उस रोज़ भी उसने शरफुद्दीन को अपने ख्यालात से आगाह किया तो वो बोल उठा, तुम ताया को कोसर के बारे में तमाम हकीकत बता दो, मुझे यकीन है कि वो बेहतर फैसला करेंगे। कोसर के मामले को आखिर इन सब से कब तक छुपाओगे? वो जानते हैं कि उनकी बेटी पुरासरार उलूम में दिलचस्पी लेती रही है। इतने अरसे घर से बाहर रहकर उसने जाहिर है यही कुछ किया होगा। वो पेशबंद भी ताया को दिखा दो, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो तो ठीक है शरफुद्दीन, मगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। देखो वकारुल हसन, ये मामलात ऐसे नहीं रहे हैं कि तुम अपने रख रखाव के चक्कर में उन्हें नज़रअंदाज कर दो। खुद सोचो, अगर इन चक्रों में फिर किसी की जान चली गई तो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। कोसर बजिद है कि वो कहीं नहीं जाएगी। वो स्वामी जी से जंग का ऐलान कर चुकी है, मगर मैं उसकी जान भी दाव पर नहीं लगा सकता, खास तौर पर इस सूरत हाल में कि ताई अभी तक सबसे बेगानी है। यही तो बेहतर मौका है, शरफुद्दीन ने पुरजोश अंदाज में कहा। अगर ताई को होश आ गया तो क्या वो दोबारा उसकी जुदाई को बर्दाश्त करेंगी? मेरे ख्याल में तो उस वक्त कोई भी तुम्हारी इस तजवीज़ से मुतफिक नहीं होगा।
बात तो वह बिल्कुल ठीक कर रहा था। वकारुल हसन चलम है सोचता रहा। मैंने भी उसे उकसाया और कहा कि वो सही कह रहा है, उस वक्त वो बहुत कुछ कर सकती है। सच्ची बात यह थी कि इस तरह मुझे भी बहुत फायदा था, वो मेरे लिए भी बहुत कुछ कर सकती थी। यही सोचकर मैंने वकारुल हसन से कहा कि अगर वो मेरे लिए कुछ कर लेता तो मैं कोसर की हिफाजत के लिए उसके साथ यहाँ रह सकता था। वो तो मैं अब भी कर सकता हूँ, मगर उस वक्त मैं उसे यहाँ के हालात से बाखबर रख सकता हूँ। यानी अगर वो सबको लेकर मुरादाबाद चला जाए, कोसर यहाँ रह जाए, तो मैं सिर्फ चंद लम्हों में ही उस तक पहुँच कर यहाँ के बारे में तफसीलात से आगाह कर सकता हूँ। मैंने और शरफुद्दीन उसे बुरी तरह घेर लिया था। वो अम्मा की वजह से सख्त परेशान था। ये पहला मौका था कि वो भी हिम्मत हार बैठी थी, और उन्होंने भी चचा की बात मानने का फैसला कर लिया था। उनका कहना था कि दो जवान लड़कियों की मौजूदगी में वो यहाँ रहकर मजीद खतरात मोल नहीं ले सकती। फिर उनकी वजह से ताया या ताई को कुछ हो गया तो वो खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि हवेली छोड़ दी जाए। वकारुल हसन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आज ताया से बात करते हैं। उनके इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई। आप मुझे बिल्कुल ही बदमाश मत समझिएगा। ये ठीक है कि मैं अपने फायदे के चक्कर में था, मगर वकारुल हसन या उसके घर वालों से मेरा जो नाता था वो खत्म होने वाला नहीं था। बस मुझे वकारुल हसन के नजरियात से इख्तिलाफ था। वो आखिरत के चक्कर में दुनिया को जाया करना चाहता था, और मुझे आखिरत की नहीं दुनिया की फिक्र थी। मेरे अंदर दुनिया की कशिश खुदा ने कुछ इस कदर रखी थी कि मैं उसे किनारा कश हो ही नहीं सकता था। बड़ी साफ गोई से इतना जरूर कहूंगा कि वकारुल हसन मजबूत किरदार का आदमी था, जो मुझे कई बार शिकस्त दे चुका था और अभी मुझे मुसलसल दबा कर रखना चाहता था। मेरा मिशन यही था कि मैं वकारुल हसन को दुनिया की लज्जतों से आशना कर दूं, और कुछ इस तरह से करूं कि वो गुनाह सवाब के चक्कर से निकल जाए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उनके फैसले से मैं खुश हो गया। कोसर को जाप करते हुए 2 रोज हो गए थे। वो या तो घर वालों में घिरी रहती, उनकी खिदमतें करती रहती, या फिर अपने कमरे में बंद होकर जाप करती रहती। यूं मेरी उससे तन्हाई में मुलाकात ना हो सकी, और मैं ये बात नहीं जान सका कि वो क्या कर रही है और उसके नतायज कब तक सामने आएंगे। उसी रात वकारुल हसन हकीम अली अहमद को छोड़कर वापस आया तो शरफुद्दीन हवेली के बाहर उसका मंतजर था। मैं वकारुल हसन के साथ ही था। मैं ताया से बातचीत के दौरान उसके साथ ही रहना चाहता था, वरना बाद में तो वकारुल हसन के दिमाग से कुछ निकाल लेना नामुमकिन ही था। घर वाले खाना खा चुके थे। अब तक जहानी आपा और शनो आपा भी सेहत पा चुकी थी। कमजोरी अभी बाकी थी, मगर वो हालत नहीं थी कि 2 कदम भी ना उठा पाती हूँ। वो सब सिवाय अम्मा के कोसर की खिदमत देखकर खुश थे। ताई अभी उसे खाली खाली आंखों से देखती रहती थी। शनो आपा और जहानी आपा ने कई बार दबे दबे उन्हें कहा भी कि ताई आपकी कोसर वापस आ गई है, मगर वहां तो लगता था जैसे बर्फ सी जमी है जो पिघलने का नाम तक नहीं ले रही थी। वकारुल हसन फिल वक्त ऐसी कोशिश नहीं कर रहा था। पता नहीं उसके जहन में क्या था। ताया अक्सर ताई से माजी की बातें किया करते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि उन्हें कोसर के रिश्ते के लिए जाना है। शायद वो भी ताई के दिमाग में जम जाने वाली बर्फ को पिघलाना चाहते थे। शरफुद्दीन और वकारुल हसन ताया के कमरे में पहुंचे तो वो ताई से बातें कर रहे थे। उन्हें देखते ही बोले, वकारुल हसन से पूछ लो। क्या ताया? वकारुल हसन ने वहां बैठते हुए पूछा। मैं कह रहा था कि गाजर गोश्त कोसर ने पकाया है, बड़े मजे का है। इन्होंने खा तो लिया, मगर बच्ची की तारीफ नहीं की। अब कहती हैं सईदा ने पकाया है। नहीं ताई, सालन वाकई कोसर ने पकाया है। आपने तो कोसर को कुछ सिखाया नहीं था। देखिए अम्मा ने कितनी जल्दी खाना पकाना सिखा दिया। वकारुल हसन ने प्यार से उनके दोनों हाथ थाम लिए। वो पलंग पर ऐसी पोजीशन में बैठी थी जैसे उन्हें अभी अभी कहीं जाना है। हाँ और क्या, ताया मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में कर्ब ज्यादा था। वो इस मामले में बड़े बदनसीब थे। बेटी वापिस आ गई थी, मगर वो खुश होने से कासिर थे। कुछ तो अम्मा के आगे शर्मिंदगी का एहसास, कुछ अम्मा की नापसंदीदगी का भी उन्हें एहसास था। फिर बीवी जो बेटी की जुदाई में पागल हुई थी, उस पर बेटी की सूरत देखने के बावजूद कुछ असर ना हुआ था। शरफुद्दीन को देखकर अफसोस हो रहा था कि ताया अब भी दुखी हैं। ताई, आपको अम्मा बुला रही हैं, वकारुल हसन ने धीरे से कहा। ताया ने यह सुनकर चौंक के वकारुल हसन की तरफ देखा। वो समझ गए थे कि वकारुल हसन ताई को कमरे से भेजना चाहता है। अरे बीवी, बड़े रोज हो गए, तुम्हारे हाथ का बना हुआ पान नहीं खाया, जरा पान तो बना दो, कुछ मुंह का जायका ही बदल लेंगे। ताया ने भी उन्हें कमरे से भेजने के लिए कहा। अरे मैं तो भूल गई, ताई एकदम खड़ी हो गई, मुझे तो अकीला के घर जाना है, वहां कोसर के ससुराल वाले होंगे, वहीं बात करूंगी कि आखिर क्या तमाशा लगा रखा है। इतने रोज हो गए, हमने बेटी इसलिए थोड़ी भी आई थी कि बरसों उसकी सूरत को तरसते रहें। भला बताओ तो सही, इतने दिन हो गए कोसर को भेजा ही नहीं। वो सख्त गुस्से में आ गई। उन्होंने पूरा कमरा छानना शुरू कर दिया। हर बिस्तर के नीचे, 2 बक्सों के अंदर, वो पता नहीं क्या ढूंढती फिर रही थी। क्या तलाश कर रही हो? ताया ने पूछा। ऐ बुरका रखा था, एक तो ये निगोड़ मारी, मेरा बुरका पता नहीं कहाँ पटक देती है। कह चुकी हूँ कि इसे मेरी पाइंती रख दिया करो, क्या पता कब जाना पड़ जाए। अब इसे कौन संभालेगा? ताया ने थके थके लहजे में कहा और सर तकिए पर यूं टिका दिया जैसे उनमें बैठे रहने का दम ही ना रहा हो।
आप परेशान ना होताया, मैं अम्मा से कह देता हूँ, वो संभाल लेंगी। वकारुल हसन उठकर बाहर चला गया। मैं वहीं बैठा रहा। मैं कमरे में आने के बाद ही वकारुल हसन के जिस्म से बाहर निकल आया था। वकारुल हसन कुछ दिनों से मुझसे काफ़ी मुतमाइन था, इसलिए मेरे बाहर जाने या लौट आने पर बेचैन नहीं हुआ करता था और ना ही मुझे घूरता था। शुगुफ्ता वाले वाक्य के बाद से वो मेरे सिलसिले में कुछ नर्म हो गया था। जाओ देखो, सैयदा के कमरे में होगा तुम्हारा बुरका, ताया ने कहा तो ताई होंठों पर उंगली रखकर कुछ देर असबात में सर हिलाती रही, फिर तेज कदमों से बाहर चली गई। कलेजा छलनी हो गया, ताया ने गहरी सांस लेकर कहा। बेटी लौट आई मगर अब तक उसे सीने से लगाकर प्यार नहीं कर सका कि पहले उसकी माँ का हक है। उसने तो खून पिलाकर पाला था, उसको ज्यादा मोहब्बत थी, जभी तो हवास खो बैठी। अब वो सीने से लगाकर रो ले तो मैं भी दिल में भरा तूफान निकाल लूं, मगर वो चल लम्हे को खामोश हो गए। कमरे में बोझल सी खामोशी तारी हो गई। औलाद नाफरमान हो, दुख दे या बदनामी, उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। आदमी सोच भी ले कि अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मगर ये दिल, ये खून की रवानी चैन नहीं लेने देती। मेरी बेटी भी, वो भी नादान थी, नालायक निकली, बदनामी भी दी और दुख भी दिया, मगर मैं क्या करूं? इस लम्हे बात करने के लिए, उसे सजा देने के लिए मुझे ये दिल ही निकालना पड़ेगा। और ये दिल, वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में गदले पानी के चंद कतरे ठहर गए थे। ताया, जो कुछ भी हुआ उसमें ना आपका कोई कसूर था ना कोसर का। जिन हालात से यह खानदान शुरू ही से दो चार है, उसने कोसर के दिमाग को भी अपनी गिरफ्त में रखा। शरफुद्दीन ने आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रख दिया। ठीक है कि वो उस वक्त हवेली में ना थी, मगर खानदान वालों पर गुजरने वाले अजाबों से नावाकिफ तो नहीं थी। बड़ी फूफी और फूफा की मौत ने उसके दिल पर असर नहीं किया होगा? क्या दादी की मौत पर उसे दुख नहीं हुआ होगा? क्या बड़े मिर्जा साहब की अनहोनी मौत ने उस पर कोई तासुर नहीं छोड़ा होगा? वो माजूर थी, लेकिन जिस्म से, टांगों से माजूर थी, दिमाग से नहीं कि उसे पता चलता और ना ही उस पर किसी बात का असर होता। उसके बारे में ये समझ लिया गया कि वो माजूर है तो हालात से उसका कोई वास्ता रहा ना लगाओ। इन्हीं चीज़ों ने उसे ऐसे उलूम में दिलचस्पी लेने पर मजबूर किया होगा ताया। और आप नहीं जानते वो कितनी ताकत हासिल कर चुकी है, आपको नहीं पता। आखिर में शरफुद्दीन ने इशारतन उन्हें कोसर के बारे में भी बता दिया ताकि इस मौजू पर बाकायदा बात शुरू हो तो उन्हें अचंभा ना हो। हाँ बेटा, उन्होंने गहरा सांस लिया और शरफुद्दीन का बायां हाथ अपने सर्द हाथों में थाम लिया। ये बात तो औलाद वाले भी नहीं समझते कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। वो चाहते हैं कि मैं उसे सजा दूँ। फिर वो बात करते करते ठटक गए। क्या कह रहे थे तुम? वो ताकत हासिल कर चुकी है। कैसी ताकत? वो कितनी ही ताकतवर हो जाए बेटा, हमारी रस्मों और रवाजों से, हमारी रिवायात से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। नहीं ताया, आप समझे नहीं, वो वाकई बहुत ताकत हासिल कर चुकी है। वो इस हवेली को चांद की कैसे आज़ाद करा सकती है। और अभी उसने बात पूरी नहीं की थी कि वकारुल हसन अंदर दाखिल हुआ। उसने सुन लिया था कि शरफुद्दीन ताया को कोसर के बारे में ही बता रहा था। नहीं बेटा, अव्वल तो ऐसा होना नामुमकिन है, हो सकता है उसने ऐसी कोई कहानी सुनाई हो। वो मुझे नफ्सियाती मरीजा लगती है, तुम्हारी ताई के इलाज से फारिग हो लूँ तो उसका भी इलाज कराऊंगा। यूं भी उसने ऐसी कौन सी ताकत पाई होगी, उन्होंने फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। शरफुद्दीन ठीक कहता है ताया, वकारुल हसन ने बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, फिर कुछ देर को चुप होकर उनकी आंखों में झांकता रहा। ताया ने पहले तो उसे सरसरी अंदाज में देखा, फिर उसके देखने और चुप हो जाने के अंदाज ने उन्हें बेचैन कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा, वो उठते हुए बोले। शरफुद्दीन ने आगे बढ़कर गांव तकिए ऐसे रख दिए कि वो टेक लगाकर आराम से बैठ सकें। वो वाकई बहुत ताकत हासिल कर चुकी है ताया, मैं इस मौजू पर फिलवक्त आपसे बात नहीं करना चाहता था, मगर अब ऐसा लगता है कि आपको बताए बिना कुछ भी करना मुहाल होगा। वकारुल हसन, दिल बड़ा कमजोर हो चुका है बेटा, पहेलियां बूझने के चक्कर में दिमाग पर जोर डाला जाता है और ना बदनामी सहने का ही यारा रहा है, ऐसी बातों से दिल होलने लगता है। साफ साफ बताओ कि देखें ताया, मैं और शरफुद्दीन इस मसले पर अच्छी तरह सोच विचार कर चुके हैं। हमने यही फैसला किया है कि आपको एतमाद में लेकर हम आसानी से मदद हासिल कर सकते हैं। यह हवेली हमारे पुरखों की निशानी है, फिर भी मैं इससे दस्तबरदार होने को तैयार था। ये शर्त कि हमारी इन अजाबों से जान छूट जाती, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता। इतना कहकर वकारुल हसन ने धीरे धीरे ताया को सब कुछ बता दिया। उसने खास तौर पर शकुंतला वाली वो बात बता दी कि इस खानदान को चांद का कैदी बनाने वाली शकुंतला की रूह नहीं बल्कि स्वामी जी हैं, जो नामालूम कहाँ बैठकर मिर्जा सौलत बेग की पुश्तों से बदला ले रहे हैं। उसने कोसर के बारे में बहुत तफसील से बताया। ये सुनकर के कोसर ने साधु का डटकर मुकाबला किया और उसे शिकस्त दे दी। वो हैरान हो गए। उनके चेहरे पर कई रंग लहराते रहे, कभी उनका चेहरा दमक उठता और कभी तारीख साय से फैलते महसूस होते। तमाम तफसील सुनकर वो कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे। इस दौरान वकारुल हसन और शरफुद्दीन दम साधे उन्हें देखते रहे। वकारुल हसन का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था,
ताया जो भी फैसला करते उसे मानना पड़ता, इसलिए वो ज्यादा परेशान था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ताया बात की संगीनी को महसूस करते हुए ऐसा फैसला करें जिससे अजाबों में कमी होने का इम्कान हो तो बेहतर है, वरना इन आफतों से जान छूटना मुमकिन नहीं था। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने सर उठाया तो उनके चेहरे पर कर भी कर्ब था। आप जो हुक्म करेंगे ताया हम मानेंगे, हमने सारी सूरत हाल आपको बता दी है, अब फैसला करना ना करना आपके हाथ में है, हम आपकी सलाह के बगैर कुछ नहीं करना चाहते। वकारुल हसन ने तमाम जिम्मेदारी उन पर डालकर उन्हें मजीद फिक्रमंद कर दिया था। तुम क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने इस बार शरफुद्दीन से पूछा। ताया, ये अजाब कम होने वाले नहीं लगते, अब शकुंतला भी हमारी मदद को नहीं आ सकती। स्वामी जी को ढूंढना हमारे क्या, किसी के बस में भी नहीं है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि कोसर को इजाजत दे दी जाए। वो स्वामी जी की तस्वीर मांग रही थी, मुझे कवि उम्मीद है कि वो इस मसले को हल कर देगी, शरफुद्दीन ने झिझकते हुए कहा। ये कोसर ये क्या बन गई है वकार, इतनी सीधी सादी सी लड़की, मासूम सी लड़की जिसने दुनिया भी ना देखी थी, ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ कर ले? उन्हें शायद कोसर वाली कहानी पर यकीन नहीं आया था। ताया, अगर आप कहें आप तैयार हों तो मैं कोसर को बुला सकता हूँ। वो पेशबंद उसके गले में है, उस पेशबंद के मुहाफिज उसके इशारे पर नाचते हैं, वो बहुत खौफनाक सांप हैं ताया, ये तमाशे हैं वकारुल हसन, सब शोबतेबाजी होगी। वो जो किताबें पढ़ती थी उनमें ये सब जादू टोने और नज़रबंदी के तरीके थे, ऐसे शोबतेबाज गलियों में फिरते और बच्चों को जादू के तमाशे दिखाया करते थे। नहीं ताया, ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते, ताया जब वो हमें मिली थी तो उसका जिस्म जख्मों से चूर था, और अब मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है वकारुल हसन। ताया प्लीज़, हम आपसे इस मौजू पर इसीलिए बात कर रहे हैं कि आप हमारी बात पर संजीदगी से गौर करेंगे, मामले की हकीकत और संगीनी को समझकर कोसर को इजाज़त देंगे, घर वालों को आप संभालेंगे, लेकिन ऐसा तो हम उस वक्त कर सकते हैं जब आप खुद हकाई को तस्लीम करके अपने अंदर मजबूती भी पैदा करें। वकारुल हसन, इन चक्रों से निकल चलो, मैं अब इसमें किसी का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिल्कुल निढाल हो गए, शायद वो जान गए थे कि हम उनसे क्या कहने वाले हैं। मगर ताया, हम यहाँ से कहीं और जाकर भी चांद की कैद से नहीं निकल सकते, और मैं तो ये हिसार ही तोड़ना चाहता हूँ, आप भी हिम्मत करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोसर हमारी मदद करेगी ताया, और हम जल्द ही इन अजाबों से छूट जाएंगे। पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो, उन्होंने बेकरारी से कहा। तब वकारुल हसन ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उन्हें अब घर वालों के साथ मुरादाबाद जाना होगा, कोसर यहाँ रहकर अमल करना चाहती है, वकारुल हसन खुद भी मुरादाबाद जाएगा लेकिन वह जल्द ही वापिस आ जाएगा, शरफुद्दीन कोसर का ख्याल रखेगा। जूं ही हवेली चांद की कैद से आज़ाद हुई वो फौरन उन्हें इत्तला करेंगे। कैसे बच्चों की सी बातें करते हो वकार बेटा, कोसर ने घर से जाकर जो कालक हमारे सर पर थोपी है वो कम है भला कि अब मैं उसे इस खाली हवेली में छोड़कर मुरादाबाद चला जाऊं? क्या तुम छोटी दुल्हन और अपनी अम्मा को नहीं जानते हो? खानदान के दूसरे लोग भी एक बार फिर कलेजा छलनी करने आ जाएंगे कि अब जवान बेटी को लौंडों के रहमो करम पर खाली हवेली में छोड़ आए। खानदान वालों को नहीं मालूम कि कोसर वापस आई है या नहीं, अम्मा को मैं समझा लूंगा, चचा चची को आप एतमाद में लेने की कोशिश करें, अगर वो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे वो चचा चची ही खानदान भर में फुरेरे डालते फिरेंगे, तुम क्या उनसे वाकिफ नहीं हो? इतना कहकर ताया चुप हो गए। वकारुल हसन और शरफुद्दीन भी अपनी जगह गहरी सोच में गुम थे। ताया की बात गलत नहीं थी, जो कुछ हो चुका था उसके बाद मजीद कुछ होने की गुंजाइश ही ना थी, चचा चची के अलावा अम्मा भी मसला बन सकती थी, उन्होंने तो दो जवान बेटियों की मौजूदगी को एक बड़ा इशू बना लिया था। हाँ एक बात हो सकती है, अचानक ताया ने गहरे सन्नाटे को तोड़ दिया। क्या? वकारुल हसन संभल कर बैठ गया। ये कि मैं यहीं रुक जाऊं, कोसर के साथ मेरी मौजूदगी ज्यादा बेहतर है, तुम इन लोगों को मुरादाबाद छोड़ा। हाँ ये तजवीज़ काबिले अमल है वकार, शरफुद्दीन खेल उठा। वो तीनों इस पर मुत्तफिक हो गए। ताया ने कह दिया कि वो आज ही भाई से बात करेंगे, अम्मा को भी उन्होंने कायल करने की हामी भर ली, फिर भी वकारुल हसन ने उनसे बात करना जरूरी समझा। वो अम्मा की फितरत से वाकिफ था और ये भी जानता था कि अगर वो उन्हें मसले की संगीनी का एहसास दिलाएगा तो वो बात ज़रूर समझ जाएंगी। मैं वक्त का मुंतज़िर था, तमाम फैसले हो जाने के बाद ही मैं उसे अपने फैसले से आगाह करना चाहता था, मैंने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया था। उसी रात वकारुल हसन ने अम्मा से बात की, ताया की तरह उन्होंने भी ये बात मानने से इनकार कर दिया कि कोसर कोई बड़ा तीर मार सकती है, उनका ख्याल था कि वो चंद शोबदे सीख कर यहाँ अकेली रहना चाहती है ताकि वकारुल हसन पर अपनी बातों का जादू चढ़ा सके। वो अभी इस नहज पर सोच रही थी, ये देखकर वकारुल हसन का गुस्सा आ गया। अम्मा आप इतने संगीन हालात से गुजरकर भी इस तरह सोचती हैं? ये हालात भी मेरे लिए कम संगीन नहीं हैं। मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं भी उसे पसंद नहीं करता,
शुगुफ्ता से मंगनी मैंने अपनी खुशी से की है अम्मा। शरफुद्दीन मेरा अजीज दोस्त है, आप सोच सकती हैं कि मैं उसे धोखा दूंगा, उस मासूम लड़की को बर्बाद कर दूंगा जो मुझसे मंसूब हो चुकी है। मेरा खानदान ही नहीं, उसका खानदान भी ये बात जानता है। प्लीज मेरे लिए मसाइल पैदा ना करें, आपकी नाराजगी मोल लेकर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो जिच हो गया। करना क्या चाहते हो? उन्होंने कुछ नर्म पड़ते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि कोसर यहाँ रहकर अमल करे और हवेली को इस कैद से आजाद करा ले। तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है? तुम्हारे बाबा की जिंदगी बर्बाद हो गई इसी चक्कर में। उन्होंने पता नहीं कितने साधु संतों और पीरों के चक्कर लगाए, कितने आमिर हवेली लेकर आए, जाने कितने बकरे जबाह करके उनका खून छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जाया हो गया। अब ये कौन सा तीर मार लेगी? औरत यूं भी ये सब कुछ नहीं कर सकती। तुम कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो रहे हो अम्मा। अम्मा आपको नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकती है। मैं इतना अरसा वहां इसके पीछे ख्वार हुआ हूँ, मैंने जो कुछ देखा है आपको सब तो बताया भी नहीं। अच्छा आप ऐसा करें, मैं कुछ देर में आपको ताया के कमरे में ले चलूंगा, आप खुद देख लीजिएगा, मगर हौसला रखिएगा, घबराइएगा नहीं, मैं कुछ देर बाद आऊंगा, ठीक है? क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, सीधी तरह बताओ, अमा नागवारी से बोली। तब वकारुल हसन ने पेशबंद और उसके मुहाफिज सांपों वाली बात बता दी। पहले तो वो हैरत से मुंह खोले उसकी बातें सुनती रही, फिर घबरा कर बोली, तो क्या अब तुम यहाँ कोई नया तमाशा कराओगे? अब यहाँ सांप आया करेंगे? पता नहीं तुम लोग क्या करोगे, क्या करना चाहते हो। वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गईं। अम्मा खुदा के लिए आप तो इस तरह की बातें ना करें, बकारुल हसन झुंझुला गया। आप तो इतना कुछ देख और जान चुकी हैं, वैसे अगर आप राजी नहीं हैं तो फिर ठीक है, मैं भी हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कब मौत का पंजा मेरी गर्दन दबोचेगा। अम्मा का रंग सफेद हो गया। वकारुल हसन ने उनके चेहरे को सफेद होते देखा तो फिर बोला, जाहिर है हम चांद के कैदी तो हैं ही, अब इस खानदान में तीन ही मर्द रह गए, ताया, चाचा और मैं। मेरे बाद उनकी बारी है या उनके बाद मेरी। बहरहाल अब आप जहानी आपा को फौरी रुखसत करने का सोचें और शन्नो आपा का भी कहीं रिश्ता तय कर दें। मैं मरने से पहले कम अज कम इन दोनों को तो ठिकाने बैठा देख लूं। अरे अल्लाह न करे, क्यों हो लाए दे रही हो? अब उनके हाथों में खफीफ सी थरथरी भी पैदा हो चुकी थी। ठीक है ठीक है, जो तुम लोगों का जी चाहे करो, देख लेना ताया हामी भरेंगे ना चाचा, और वो तुम्हारी चची, वो तो अपनी फतह के झंडे गाड़ती फिरेंगी पूरे खानदान में। आप सबको छोड़ दें, ये मसला सुलझाना मेरा मामला है, ताया से मैं बात कर चुका हूँ। जब ही वो तो खैर अपनी औलाद के मामले में खासे आजाद ख्याल साबित हो चुके हैं, मगर मैं औलाद को आपे से बाहर होता नहीं देख सकती। आपकी औलाद को कुछ नहीं होगा अम्मा, लेकिन अगर आप इस अंदाज से सोचती रहें तो उन्हें नुकसान जरूर होगा। क्या आप नहीं चाहती कि हम भी पुरसकून और आम लोगों की सी जिंदगी गुजारें, हमारी जिंदगी में ऐसे अनहोने वाकयात ना हो? अच्छा भाई, कह तो दिया कि जो जी में आए करो। वकारुल हसन ने मजीद कुछ कहने की बजाय वहां से उठ जाने में ही आफियत समझी। वो जितनी देर वहां बैठा रहता बात बढ़ती रहती। मुझे वकारुल हसन को उनके आगे घिघियाना भी बहुत बुरा लग रहा था, अब ऐसे भी क्या फरमा बरदारी और सादत मंदी। वो वहां से निकलकर सीधा ताया के पास पहुंचा। शरफुद्दीन अब भी उनके पास बैठा हुआ था, कोसर पता नहीं कहाँ थी। मैं उन लोगों के दरमियान होने वाले फैसले से आगाह होने के चक्कर में उस तक नहीं जा सका, फैसला जल्द ही हो गया। वकारुल हसन ने कोसर को बुलाने और ताया अम्मा दोनों को उसकी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया था। उसके दिल में कहीं ये बात जागुजी थी कि ताया और अम्मा कोसर के मामले में उस पर शक ना कर रही हूँ, वो इस शक को खत्म करना चाहता था। ताया खामोश हो गए। वकारुल हसन ने कोसर को बुलाया और उसे बता दिया कि वो अम्मा और ताया से क्या बातचीत कर चुका है। वो ये बात सुनकर खुश हो गई थी कि उसे उन दोनों की तरफ से इजाजत मिल गई है। अब तुम्हें अपनी ताकत का मुजाहिरा करना है, वकारुल हसन ने कोसर से कहा। गोया मजमे में मदारी बनकर तमाशा दिखाना है, वो मुस्कुराई। इन्हें यकीन नहीं है कि तुम किसी भी किस्म की ताकत रखती हो, मैं सिर्फ इन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारे यहाँ रुकने पर मोतरिज ना हो। चलो ये भी सही। वो वकारुल हसन के साथ ताया के कमरे में चली आई। वकारुल हसन उसे वहां छोड़कर अम्मा के पास चला गया और जल्द ही उन्हें भी ताया के कमरे में ले आया। ताया की आंखों में खुशी और दुख का इम्तिजाज था। वो शरफुद्दीन की वजह से खुद पर काबू पाए बैठे रहे, वरना बेटी को सामने देखते ही उनका दिल उसे सीने से लगाकर भींच लेने को चाहा था। अम्मा का चेहरा सपाट था। अब्बा मैं आप लोगों से शर्मिंदा हूँ, मैंने जो हरकत की थी उसकी माकूल वजह थी अब्बा। चची दुल्हन, उसने अम्मा को मुखातिब किया, आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, मैं जानती हूँ कि मेरे इस तरह चले जाने ने आप लोगों की इज्जत पर बट्टा लगा दिया था, मगर मैं मजबूर थी, मैं अगर ये सब ना करती तो। ये सब बातें छोड़ दो कोसर, वकारुल हसन ने खनकार कर कहा, ताया को वो पेशबंद और उसके मुहाफिज दिखाओ। अच्छा किया था वकारुल हसन ने कि उसे टोक दिया, क्योंकि इस गुफ्तगू से ताया के चेहरे पर दुख के अलावा गुस्से के आसार भी नुमाया हो गए थे। अम्मा के माथे पर बल पड़ गए थे
और उन लोगों के जख्म ताजा होने लगे थे। शायद ये बात खुद कोसा ने भी महसूस कर ली थी। जब ही वो सर झुकाकर चुप हो गई, चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया और गर्दन में पड़े उस पेशबंद को कमीज से बाहर निकाल लिया। उस पेशबंद को देखकर शरफुद्दीन, ताया और अम्मा तीनों हक्का बक्का रह गए। उसमें पड़ी छोटी छोटी खोपड़ियों ने मुझे भी साधु वाली जिंदा खोपड़ियां याद दिला दी। बड़ी शिद्दत से जी चाहा कि मैं भी किसी तरह इन खोपड़ियों का मालिक बन जाऊं। ताया आंखें फाड़े उसके सीने पर फैले इंसानी हड्डियों से बने उस हार को देख रहे थे। उन नन्नी नन्नी खोपड़ियों की आंखों के हलकों के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। पहली निगाह में तो यूं लगता था जैसे अंदर हलकों में सुखड़ी हुई पुतलियां हिल रही हैं, मगर जल्द ही मैंने देख लिया कि उन हलकों के अंदर कुछ है जो मुसलसल हिल रहा है। कोसर उस वक्त आंखें बंद किए जाने मुड़े और दोनों घुटनों पर दोनों हथेलियां रखे साकित बैठी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। अजीब झुलसी झुलसी सी रंगत हो गई, जैसे उसके अंदर दहकते कोयलों की भट्टी जल रही हो और उसे धीरे धीरे अंगारा बना रही हो। फिर अचानक उसने आवाज बुलंद कुछ गैर मानूस से अल्फाज दोहराना शुरू कर दिए। उन अल्फाज की गूंज समाज को बेहद नागवार गुजर रही थी। अजीब करख्त से अल्फाज और करीह लहजा था जिसे सुनकर हलक के अंदर और कानों में खराशियां सी पड़ती महसूस हो रही थी। अम्मा दहशत से उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। ताया के चेहरे पर घबराहट ज्यादा नुमाया थी। यूं लगता था जैसे वो अभी चीख उठेंगे। अचानक उन्होंने शायद कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कोसा ने आंखें खोल दी। दोनों हाथों को सामने फैलाकर वो हवा में उंगलियों से दायरे बनाने लगी। वो देखो, अचानक शरफुद्दीन चीख उठा। उसका हाथ कोसर की तरफ उठा हुआ था और उंगली का इशारा उस पेशबंद की तरफ था। सबकी निगाह उसके चीखने पर पेशबंद में पिरोई गई खोपड़ियों की तरफ हो गई और तभी सबके मुंह खुल गए, आंखें हैरत से फट गईं। वक्कारुल हसन खुद पर काबू पाए हुए था और बड़े गौर से इन तब्दीलियों को देख रहा था। उन खोपड़ियों की आंखों के खाली हलकों से नन्हे नन्हे सुनहरी सांप निकल कर उसकी गोद में गिर रहे थे। अम्मा खौफजदा होकर उठ खड़ी हुई और कोसर से कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। ताया हैरत और परेशानी के आलम अब साकित बैठे कुलबुलाते हलकों से बाहर आकर गोद में टपकते बल खाते उन सांपों को देख रहे थे। उस पेशबंद में 8 इंसानी खोपड़ियां थी, मगर उन हलकों से निकलने वाले सांपों की तादाद इससे कई गुना ज्यादा थी। फिर देखते ही देखते उन सांपों का हुजम बढ़ने लगा। वो एक एक फुट जितने हो चुके थे। केचवे की तरह कुलबुलाते सांप हुजम बढ़ते ही किसी खौफनाक अजदहे की तरह फनकारने लगे। ऐसा लगा जैसे कमरे का दर्जा हरारत गैर महसूस अंदाज में बढ़ता जा रहा है। यही बात शरफुद्दीन व कारुल हसन, ताया और अम्मा भी महसूस कर रहे थे। उनकी पेशानियों पर चमकते पसीने के कतरे इस बात का सबूत थे कि यह हरारत उन तक भी पहुंच रही है। अम्मा दरवाजे की तरफ सिरक रही थी। वक्कारुल हसन उनके करीब होकर उनका हाथ थाम चुका था। ये बंद कराओ तमाशा, बंद कराओ, वो घिघियाकर बोली। अम्मा कुछ नहीं होगा, वक्कारुल हसन ने उन्हें तसल्ली दी। ये सब कोसर के ताबे हैं। सांपों का हुजम मजीद बढ़ रहा था। फिर वो सारे सांप एक दूसरे से लिपट कर इस तरह कोसर की गोद में बैठ गए जैसे कोई उलझी हुई रस्सी रखी हो। कोसर का चेहरा तपकर तांबे के रंग का सा हो गया था। उसके चेहरे की खाल ऐसे लरज रही थी जैसे वो जलजले की जद में हो। सांपों का रुख सामने की तरफ था, मगर वो बार बार झटके से सर घुमाकर कोसर के चेहरे की तरफ भी देख रहे थे। पता नहीं क्यों सब लोगों को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कमरे में जलजला आया हुआ है, बहुत शोर है, जैसे कान पड़ी आवाज तक ना सुनाई दे रही हो। हालांकि वहां सिर्फ और सिर्फ कोसर के मुंह से निकलने वाले नाकाबले फहम अल्फाज की गूंज थी और बस। फिर अचानक ये गूंज उस वक्त दम तोड़ गई जब कोसर के होंठ साकित हो गए, उसकी गोद में कुलबुलाते सांप भी साकित हो गए। उनकी चमकदार आंखें ताया और शरफुद्दीन पर जमी हुई थी। अम्मा तो दूर जा चुकी थी और वक्कारुल हसन उनके करीब खड़ा था। कोसर के एकदम चुप हो जाने से पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ऐसे में जब कोसर ने गहरा सांस लिया तो सभी चौंक उठे। अब्बा, ये बहुत जहरीले नाग हैं, वो ऐसे प्यार से बोली जैसे अपनी किसी बेपनाह खूबी का जिक्र कर रही हो। ये मेरे हुक्म पर कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी डस सकते हैं, और मैं कहूँ तो ये किसी डसे हुए आदमी से जहर वापस निकाल कर उसे भला चंगा भी कर सकते हैं। ये तुम क्या बन गई कोसर, ताया बेसाख्ता रो पड़े। उन्होंने ये जुमला ऐसे चीख कर कहा था जैसे वो बड़ी देर से बर्दाश्त किए बैठे हों, जैसे मुंह भी नहीं खोलना चाह रही हूँ, मगर मुंह खोलते ही ये जुमला किसी चीख की तरह निकल गया हो। लम्हा भर को कोसर के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। उसने मुड़कर वकारुल हसन की तरफ देखा। ताया, इसे ऐसा बनने के लिए मजबूर किया गया था, उसने फौरन बात बनाई, अगर ये ऐसा ना करती, ये पेशबंद हासिल करके इसके मुहाफिजों को अपने काबू में ना करती ताया, तो आप फिर कभी इसकी शक्ल ना देख पाते। उन्होंने लम्हा भर को सर उठाकर वकारुल हसन की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी और दुख था। हाँ ताया, खुद को उस साधु की कैद से रिहाई दिलाने के लिए, अपने आप को उसकी दस्तरस से बचाने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो करना था। यही सांप थे जिन्होंने कोसर को बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचने में मदद दी।
मैंने ये सब आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आप लोग मेरी बात पर यकीन करके कोसर को हवेली आज़ाद कराने के लिए यहाँ छोड़ दें। वो कोसर की सफाइयाँ पेश कर रहा था। कोसर सबसे बेनियाज उन सांपों को अपने हाथों और बाजुओं पर लिपटता देख रही थी। ये खौफनाक जहरीले सांप अपनी लंबी लंबी पतली जबानों से उसे छू रहे थे, महसूस कर रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी जो बदन में सनसनी बनकर दौड़ जाती है। शरफुद्दीन तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह आंखें फाड़े उसे तक रहा था। आप चाहें तो, कोसर ने कुछ कहना चाहा, मगर वकारुल हसन ने उसे आंख से खामोश रहने का इशारा कर दिया। वो झिझक कर खामोश हो गई। ताया अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गए। उनसे बेटी को इस रूप में देखा नहीं जा रहा था जबकि अम्मा अब भी खौफजदा थीं। अचानक उन्हें कुछ हो गया। उन्होंने लपक कर वकारुल हसन का बाजू पकड़ लिया, फिर लरसती हुई आवाज में बोली, वकारुल हसन, वो ऐसा ही तो था, वो सांप जिसने गंगवा का गला घोंटा था। उनके जुमले सुनते ही ताया भी चौंक उठे। वो ऐसा ही था अम्मा, मगर इनमें से कोई नहीं था। ये सबके सब इस पेशबंद के मुहाफिज हैं। ये आखिर है क्या चीज, ताया घबराए हुए अंदाज में पूछ रहे थे। तब वकारुल हसन ने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें नागुपा जादूगर और उसके पेशबंद के बारे में बताया। मेरी तमाम तवज्जो कोसर की तरफ थी। मैं चुपके से वकारुल हसन के जिस्म से बाहर आ गया। वकारुल हसन जिस इंतिशार का शिकार था उसमें मेरे बाहर आने को महसूस नहीं कर सका। नामालूम मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं कोसर के करीब पहुंच गया। कोसर ने मेरी मौजूदगी को महसूस करके चौंक कर सर उठाया। मैंने उसे इशारे से कहा कि मैं इन सांपों को छूना चाहता हूँ। वो चलमहे देखती रही, फिर उसने एक सांप के सर को हथेली से रगड़ा। मैंने उस सांप के सर से हल्का सा धुआं निकलते महसूस किया। फिर कोसर के सर हिलाकर इशारा देने पर मैंने उसी सांप को उठा लिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो सांप मेरी गिरफ्त में आ गया और मेरे हाथों के साथ साथ लटकता हुआ हवा में मालिक हो गया। हवा में झूलता हुआ ये सांप बाकी सबको भी नजर आ रहा था। ये पहली जानदार चीज थी जिसे मैं अपनी गिरफ्त में ले चुका था और वो मेरे हाथ में आ जाने के बावजूद दूसरों की निगाहों से ओझल नहीं हुआ था, जबकि हर वो गैर जानदार चीज जो मैं उठा सकता था मेरे हाथ में आते ही गायब हो जाती थी और उस वक्त तक गायब ही रहती थी जब तक वो मेरे हाथ में हो। सांप को इस तरह हवा में उठते देखकर अम्मा और शरफुद्दीन के मुंह से चीख निकल गई थी। वकारुल हसन देख चुका था कि ये मैं हूँ। उसने मुझे गुस्से से देखा और चीखा, फेंको इसे। मैंने दूसरे ही लम्हे उसे कोसर की गोद में फेंक दिया। ताया उसे और कभी वकारुल हसन को देख रहे थे अचानक बोले, बंद करो ये तमाशा। कोसर ने वकारुल हसन की तरफ देखा। उसने आंख से इशारा दिया, फिर देखते ही देखते वो तमाम सांप नन्ने नन्ने केचवे जितने बनकर फिर उन खोपड़ियों की आंखों के हलकों में वापस चले गए। इस बार कोसर ने फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था, मगर वो अब मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। इस वाक्य ने शरफुद्दीन, ताया और अम्मा को हैरान कम और परेशान ज्यादा कर दिया था। ताया बिल्कुल गुमसुम होकर रह गए थे। अम्मा उससे खौफजदा रहने लगी थी। उनके जहन में ये बात जड़ पकड़ गई थी कि अब तो कोसर बाकायदा जादूगरनी बन चुकी है। वो वकारुल हसन पर किसी भी वक्त जादू कर सकती है। उन्हें ये इल्म नहीं था कि वकारुल हसन भी कुछ शक्तियां पा चुका है। बहरहाल इस बात के बाद ये फैसला जरूर हो गया कि ताया सबको लेकर मुरादाबाद चले जाएं। शरफुद्दीन उन्हें बाहिफाजत पहुंचा देगा और वहां छोड़कर वापस आ जाएगा। वकारुल हसन यहीं कोसर के पास रहेगा। मुझे ये फैसला सुनकर कुछ मायूसी हुई थी, मगर फिर भी मैं कोसर से नाउमीद नहीं हुआ था। मेरे सिलसिले में तो वो जो भी करने का इरादा रखती थी वो अपने ही फायदे के लिए था। वो रात पुरसकून गुजरी। अगली सुबह ताया और चाचा ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। वकारुल हसन ने खुर्शीद चाचा को ज़मीनों पर भेज दिया था ताकि वो वहीं रहें और वहाँ का इंतज़ाम संभालें। उन्हें यह भी ताकीद कर दी कि वो अमरोहा आने की बजाय मुरादाबाद चले जाया करें। ताया से वकारुल हसन ने कह दिया था कि अपना और घर वालों का इलाज उस वक्त तक जारी रखें जब तक मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाते। पता नहीं ताया ने चाचा और चची से कोसर के बारे में ऐसा क्या कहा था कि वो उसके यहाँ रुकने पर कतई परेशान थे और ना उनके चेहरों पर किसी किस्म का तरद्दुद महसूस होता था। दिन चढ़े तक वो लोग स्टेशन के लिए निकल गए। वकारुल हसन उन्हें छोड़ने स्टेशन जाना चाहता था, मगर ताया ने उसे रोक दिया। उन्हें कोसर की फिक्र थी, उसके चले जाने के बाद वो तन्हा रह जाती। यह देखकर कोसर ने मायने खेज मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा कि उसके अकेले रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वकारुल हसन उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है उसे खुद ही करना है, इसलिए वकार अगर चाहे तो स्टेशन जा सकता है। वो ठीक ही कह रही थी। वकारुल हसन को भी मालूम था कि वह कितनी ताकतवर है। वो घर वालों के ज्यादा करीब रहना चाहता था, इसलिए स्टेशन पहुंच गया। सबको रेल में सवार करा के उसने शन्नो आपा और जहानी आपा को अपना बहुत ख्याल रखने के लिए कहा तो वो दोनों ही रो पड़ी। भाई, तुम ज्यादा दिनों के लिए तो हमसे नहीं बिछड़ रहे हो ना, शन्नो आपा ने रोते हुए कहा। वकारुल हसन तड़प ही तो गया। कैसी बातें करती हो शन्नो आपा, मेरी तो जान आप लोगों में अटकी रहती है। मैं 3-4 रोज ही में आ जाऊंगा, आप अम्मा ताया ताई का ख्याल रखिएगा। शरफुद्दीन की आंखें अब भी फटी हुई थी।
उसने इतने अरसे में पहली बार जहानी आपा को देखा था, बल्कि उन्हें भी कहाँ, उनके पतले पतले बाजू, हड्डियों से मुजयन हाथ या बुरके में किसी बांस की तरह पतला जिस्म देख कर ही वो अचंभे में रह गया था। उसने ताया को कमज़ोर पाया था, मगर उसे ये गुमान भी ना था कि हवेली के अंदर होने वाले खौफनाक वाक़यात इस हद तक भी खौफनाक हो सकते हैं कि जहानी के गोल गोल चिकने बाजू टेढ़ी टेढ़ी लकड़ियों की शक्ल में तब्दील हो जाएं। शनों की तो उसने सूरत भी देख ली थी और तभी से उसकी आंखें फटी हुई थीं। अम्मा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, उन पर अजीब सी बेकरारी, एक अजीब सी बेकली छाई हुई थी। उनकी घबराई घबराई सी निगाहें, उनके लरसते हुए होंठ, कपकपाते हाथ, ये सब उनकी बेपनाह बेकरारी का सबूत थे। जल्दी जल्दी चले आना वकारुल हसन, हमारा खुदा के सिवा और तुम्हारे अलावा कोई आसरा नहीं है। उन्होंने अपने कपकपाते हाथों में वकारुल हसन का हाथ थामा तो एक यख लहर से वकारुल हसन के उंगलियों से होती हुई पूरे बदन में ठहर गए। उसने अम्मा की आंखों में भड़क कर बुझते हुए चराख की सी कैफियत महसूस की। खुदा पर भरोसा रखिए अम्मा, अगर उसने हमारी किस्मत में इन अजाबों से पनाह लिखी है तो इंशाल्लाह हम इस बार कामयाब हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे सब्र व शुक्र करना तो सिखा ही दिया है, वही काम आएगा अम्मा, उसके कामों में किसे दखल। वकारुल हसन का लहजा मायूस कन था, वो तो गाड़ी चलने का वक्त हो गया, वरना जुदाई का ये चक्कर पता नहीं कब तक चलता। इस बार वकारुल हसन ने शरफुद्दीन को ताकीद कर दी थी कि वो उन लोगों का हर हाल में ख्याल रखे। उसने वादा कर लिया और कह दिया कि वह उन्हें मुरादाबाद छोड़कर सीधा यहाँ आएगा और अब्बा से चंद रोज़ की रुख्सत लेकर हवेली पहुँच जाएगा। गाड़ी चली गई। वकारुल हसन बहुत निढाल था, उसके दिलो दिमाग मायूसी का शिकार थे। मैं उसे इस मायूसी से निकालना चाहता था। वो वहाँ से तांगे लेने की बजाय पैदल ही चल पड़ा। उसकी हालत किसी लुटे हुए मुसाफिर की सी थी। यूँ लगता था जैसे वह जुए में अपनी बहुत ही अजीज चीज हार कर लौट रहा हो। उसकी ये कैफियत नई थी जिसने मुझे भी परेशान कर दिया था। उसे अम्मा की आंखें याद आ रही थी जो कभी जल उठती थी और कभी बुझ जाती थी। मैं उसे इस कैफियत से निकालना चाहता था, मगर ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहता था जिससे वो भड़क उठे और मुझे झिड़क दे। मेरे हिसाब से तो कामयाबी से हमकिनार होने का वक्त अब आया था। अब वो चाहता तो सारे वज़ाइफ कर सकता था। वज़ाइफ की वो किताब जो सुनहरे बाबा ने उसे दी थी वो अमरोहा में थी। इसमें आज़म उसके गले में और फिरोजे की अंगूठी उसकी उंगली में थी। इस दौरान में कोसर मेरे लिए जाप करने के अलावा स्वामी जी को तलाश करने और हवेली को आज़ाद कराने की भी कोशिश कर सकती थी। फिर पता नहीं क्यों वकारुल हसन ये बातें सोचने और आइंदा का लाहा अमल तय करने के बजाय मायूसी का शिकार था। उसकी इस कैफियत ने मुझे भी मुस्तरिब कर दिया था।